अब बिग बॉस के घर के अंदर आते ही शालीन भानोड़ की मम्मी ने शालीन को टीना दत्ता, सुम्बुल टॉकर खान और घर के बाहर की जनता के बारे में एक ऐसी सच्चाई बता दी है जिसको जानने के बाद शालीन के तो होश ही उड़ गए हैं। और शालीन ने जैसे ही अपनी मम्मी की ये सारी बातें सुनी कि टीना दत्ता और सुम्बुल टॉकर खान उनके साथ ऐसा कर रही हैं, शालीन ने अब एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, बिग बॉस घर के अंदर अब जैसे ही सभी घर वालों के माता पिता बिग बॉस के घर के अंदर आ रहे हैं, वैसे ही शालीन भानोट की मम्मी ने जाते ही सीधा सीधा अपने बेटे को कुछ टिप्स दे दिए हैं, जिसके चलते अब शालीन भानोट ने अपनी पूरी की पूरी गेम ही बदल डाली है। ऐसे में क्या क्या कहा है शालीन भानोट की मम्मी ने टीना दत्ता के बारे में, साथ ही साथ घर के बाहर की जनता के बारे में, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर अब यह हफ्ता पूरा का पूरा फैमिली वीक चल रहा है, जिसमें हर किसी कंटेस्टेंट के घर वाले उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर चाहे वो शिव ठाकरे हो, सुम्बुल टॉकर खान हो, अब्दुल रोजी खान हो, या फिर साजिद खान हो, या फिर हो शालीन भानोट। ऐसे में शालीन की मम्मी ने जैसे ही बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री ली, वो हर किसी से मिली, लेकिन उन्होंने शालीन भानोट को कई बड़ी बड़ी बातें कह डाली। सबसे पहले उन्होंने शालीन भानोट को अकेले बिठाया और अकेले में जब बातचीत करना शुरू किया तो उन्होंने सीधा सीधा कह डाला कि घर के बाहर तुम्हारी और सुम्बुल की दोस्ती जनता को काफी पसंद आ रही थी, दोनों को जनता हमेशा एक साथ ही देखना चाहते थे। जब तुम्हारी दोस्ती सुम्बुल से टूटी तब घर के बाहर की जनता को काफी बुरा भी लगा था। जी हाँ, साथ ही साथ शालीन भानोट की मम्मी ने उन्हें ये भी कहा कि तुम्हें टीना दत्ता से घर के अंदर दूर रहना चाहिए, क्योंकि टीना सबसे फेक कंटेस्टेंट है। वो तुम्हारे सामने तो कुछ कहती है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और ही कहती हुई नजर आती है, तुम्हारी बुराई करती हुई नजर आती है। साथ ही साथ शालीन भानोट की मम्मी ने शालीन को ये टिप्स दी कि तुम्हें अब घर के अंदर प्रियंका चहर चौधरी के साथ अपनी गेम आगे बढ़ानी चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर बिग बॉस के घर से सामने आ रही है, जिसमें शालीन की मम्मी अब शालीन को ये कह रही कि तुम्हें प्रियंका से दोस्ती करनी चाहिए और उसके साथ ही गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर इकलौती प्रियंका ऐसी कंटेस्टेंट है जो हमेशा तुम्हारी साइड देती हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हैं। इसलिए तुम्हें अब अपनी गेम को और सुधारना होगा और प्रियंका चहर चौधरी के साथ आगे बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि अब बिग बॉस घर के अंदर सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें किस तरह से खेलना चाहिए, लेकिन शालीन भानोट ने की मम्मी ने तो उन्हें टीना दत्ता से दूर रहने के लिए कहा, वहीं कहा कि सुम्बुल टॉकर खान के साथ तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए और प्रियंका चहर चौधरी के साथ भी तुम्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। ऐसे में अब देखना ही होगा कि शालीन अपनी गेम को किस तरह से बदलते हैं। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करें, और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।